और सब ठीक है सब बढ़िया है ना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ठीक है मेरे दोस्त चलो आज का टॉपिक यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है कई सारे टीनेजर्स पूछते हैं मुझसे ये चीज़ कि भैया मेरे दिमाग में सारा दिन ख्याल आते हैं लड़कियों के फीलिंग्स के खयाल आते हैं मैं किस तरीके से इन थॉट्स को निकालू मेरे दिमाग से मुझे परेशानी होती है मैं फोकस नहीं कर पाता कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता राइट सबसे पहले समझते हैं कि यार ये थॉट्स क्यों परेशान करते हैं देखो मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में कि देखो अगर मुझे थॉट्स आ रहे हैं कोई चीज के क्या मैं वॉल्ट्रिली इन थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ सबसे पहला आंसर आता है नो नहीं कर सकता अब आता है दूसरा सवाल कि क्या ये थॉट्स आना गलत है या सही है क्या ये पाप है जो तुम कर रहे हो जिसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये थॉट्स से तकलीफ होती है ये थॉट्स को रजिस्ट करते हो ये फ्रिक्शन पैदा होता है इस वजह से क्योंकि समाज की फैमिली की आपके पेरेंट्स का ये सारा का सारा प्रेशर घुसेड़ रखा है कि नहीं ऐसे ख्याल भी आने चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए थॉट्स भी नहीं आने चाहिए तुम्हारी सोच में भी कैसे आया किसी लड़की के बारे में ऑपोजिट सेक्स के बारे में तुम्हारी सोच में कैसे आ गया तुम्हारी सोच खराब हो गई है टीवी का इन्फ्लुएंस है इसका इन्फ्लुएंस है नहीं मेरे दोस्त ये सारी चीजें नहीं भी होती ना उसके बाद भी तुम्हारे अंदर ख्याल आते क्यों एक ही चीज है आपके हारमोन्स केमिकल्स ये चीजें समझते हैं नहीं है ज्यादातर लोग समझने वाली बात है ना यार कि कोई भी थॉट्स आ रहे हैं किसी भी तरह की फीलिंग्स उमड़ रही है अंदर से उसका कुछ तो रीजन होगा कुछ तो ट्रिगर होगा कहां से आ रहा है चलो मुझे कोई चीज मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जिनको ख्याल आते हैं कुछ लोग हैं जिनको ख्याल नहीं आते ऐसा क्यों है डिफरेंस क्या है डिफरेंस क्या है हॉर्मोन्स का डिफरेंस है केमिकल्स का डिफरेंस है राइट right? क्या इस चीज का डिफरेंस है कि नहीं इसकी तो सोच ही खराब हो चुकी है इसकी तो सोच में कुछ गड़बड़ है नहीं ऐसा नहीं है एक व्यक्ति है जिसके पास टाइम बहुत ज्यादा फ्री अवेलेबल है सारा दिन फ्री बैठा है तो ऑब्वियस है कि जो भी थॉट आएगा वो उसको कहीं ना कहीं आज किसी लड़की का थॉट आया वहां घुस जाएंगे कि आज दोस्तों का थॉट आया क्या दोस्तों घूमने जाना है वहां चले जाएंगे दिमाग इतना खाली है जितने भी थॉट्स आ रहे हैं घूमा हूँ यहाँ पे घूम रहे हैं वहाँ फिर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं पचास जगहों पे घूमते फिरते आ फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहे हैं एक व्यक्ति है जो जिसके चौबीस घंटे के चौबीस घंटे ऑक्यूपाइड है खाना पीना सोना और काम और कोई अगर एक कमिटेड पार्टनर है तो वहाँ पे उसके अलावा उसको कोई थाट्स नहीं आते उसका रीज़न नहीं है कि उसका टाइम भी ऑक्यूपाइड है अब इसमें दो रीजन आ सकते हैं एक रीज़न है आपके केमिकल्स आपके हॉर्मोन्स जो यार नेचुरल है इसको रजिस्ट करने का ट्राई नहीं करना खुद को एजुकेट करना है कि क्या मेरे लिए ये सही है या गलत है बस मैं इतनी सी बात करूंगा इस मामले में दो ही चीजें हैं मेरे दोस्त एक जो बहुत बढ़िया कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर ठीक है दूसरी जो है आपके केमिकल्स आपके हॉर्मोन्स टीन के दौरान आपको पचास तरह के थॉट्स पचास तरह की फीलिंग्स उमड़ती रहेगी आपके घर वाले कहते हैं कि तुम बिगड़ चुके हो नहीं मेरे दोस्त तुम बिगड़े नहीं हो ये सभी चीजें नेचुरल है रजिस्ट करने का ट्राई मत करो कि यार मैं बहुत खराब हो चुका हूं मुझे तो सारा दिन विचार आते हैं इस चीज के नहीं कोई बात नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं लोड मत ले जितना इस चीज को रजिस्ट करने का ट्राई करोगे हटाऊ को हटाऊ 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 उन थॉट्स को हटाने के लिए भी तो तुम सारा दिन उसमें घुसे हुए हो ना बेटर है कि हाँ ठीक है भाई आते रहेंगे क्या है क्या कर सकता हूं मैं इस चीज का कर ही क्या सकता हूं आएंगे आने तो आओ बैठो चाय पियो आ रहा है तो सोचो क्या ही दिक्कत है सोचने में तुम्हारे कुछ पैसे लग रहे हैं कुछ नहीं हो रहा कुछ कर रहे हो वो गलत बात है वो अलग चीज़ है वो एक अलग ही चैप्टर है उस पर अलग वीडियो बनाएंगे लेकिन आज अगर सिर्फ थॉट्स की परेशानी है जिसको तुम रजिस्ट कर रहे हो कि यार मैं थॉट्स कैसे निकालू वो तुम्हारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे केमिकल्स जिस तरीके से रिलीज होने वाले हो रे तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे टीनेज के दौरान आएंगे मेरे दोस्त अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये चीज़ कहते हैं तो बेवकूफ़ हैं हर किसी के पेरेंट्स कहते हैं ये चीज़ उनका कंसर्न है अलग कंसर्न है उनको ऐसा नहीं है कि तुमको परेशान करे उनका कंसर्न है कि यार बिगड़ ना जाए बट कहीं ना कहीं इस चीज़ की एजुकेशन हमारी सोसाइटी में नहीं है तो क्या कर सकते हैं आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त इसीलिए मैं ओपनली इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मुझे पता है कई सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं बट ठीक है मेरा कंसर्न है कि टीन को और ट्वेंटीज़ वाले लोगों को एजुकेट करना कि भैया ये सभी चीज़ें नेचुरल है यार ज़्यादा परेशान मत किया करो खुद को कि ये हो रहा है अब मैं क्या करूँ कोई पाप नहीं कर रहे हो तुम दिक्कत यह है ना कि हमारी अलग ही ब्रह्मचार्य की डेफिनेशन है रहते हो आप किस तरह के युग में सोसाइटी कैसी है हमारी आज का ज़माना कैसा है ऐसे ज़माने में तुम ब्रह्मचार्य की बातें करोगे तो इंसान परेशान होगा ना आज का ज़माना देखो और किसी को बोलो कि तुम ब्रह्मचार्य का पालन करो वो कैसे कर पाएगा उसको सरवाइव करना है सोसाइटी में पचास तरह के उसके सोशल रिलेशनशिप्स पचास तरह की उसकी ड्यूटीज़ है पचास तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पचास तरह के कनेक्शन उसको बनाने जरूरी हैं बनाने पड़ते हैं सब कुछ करना पड़ेगा उसको करना जरूरी भी है करे अभी मैं उसको बोल दूंगा, तुम ब्रह्मचार्य का पालन करो तो कितना रेजिस्ट करना पड़ेगा उसको वो कुछ भी नहीं कर पाएगा यार कुछ नहीं कर पाएगा वो लाचार पड़ा रहेगा वो जो भी है सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम इसको रेजिस्ट करने में सारी एनर्जी निकाल दो कि तुम्हारे काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो एक स्टूडेंट है जिसने मुझे ये सवाल किया है उस सवाल को आंसर करते हुए मैं सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो स्टूडेंट की दिक्कत पता ही क्या है सारा दिन उसका निकल जाएगा इन सवालों को इन थॉट्स को रजिस्ट करने में कि यार मेरे दिमाग में लड़कियों का ख्याल आता है अब उन ख्यालों को भगाने में उसके चौबीस घंटे निकल जाते हैं पढ़ाई कब करेगा वो पढ़ाई कब करेगा ठीक है भाई ख्याल आ रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है कुछ कर तो नहीं तू ऐसा तो नहीं कर रहा कि तू छेड़ रहा है जाके उनको परेशान कर रहा है लड़कियों को वो तो नहीं कर रहा है तू ख्याल आ रहे हैं तो आएंगे नेचुरल है तुम्हारे पप्पा को भी आते हैं ठीक है उनकी भले कितनी भी उम्र हो वो कहेंगे नहीं तुमसे मैं कह रहा हूं तुम्हारे माँ बाप को भी उनकी उम्र में भी ख्याल आते हैं किसी और के ठीक है कुछ कर नहीं रहे हैं वो पाप नहीं हो रहा है हमारी बॉडीज इसी तरीके से काम करती है मेरे दोस्त रजिस्ट करना बंद करो ये फ्रिक्शन पैदा करना बंद करो सारी एनर्जी वहां पे खपाने से बेहतर है इधर लगाओ अपनी पढ़ाई पे अपने काम पे बहुत ही प्रोडक्टिव बहुत ही रिसोर्सफुल फील करोगे अपने टाइम के बारे में अपने दिन के बारे में लोड मत ले मेरे दोस्त इतना एग्जाम्स आ रही है एग्जाम्स में ध्यान दे हाँ ये नेचुरल है आएंगे ख्याल कोई दिक्कत नहीं मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे ख्याल आने दे सोच बैठ के क्या करेगा <laughs> अब मैं ये कहूंगा कि यार सोच फोकस करो फोकस करो पता है क्या होगा उससे तुम गिल्टी फील करोगे जब जब तुमको ख्याल आएगा ना तुम गिल्टी फील करोगे मैं नहीं चाहता वो चीज करना मैं खुद कर चुका हूं ये सब पचास तरह की एक्टिविटीज मेडिटेट करूं ताकि मेरे अंदर कोई ख्याल ना आए वो थॉट्स को भगाने का जितना प्रयास कर रहा हूं उतना ही मैं कहीं और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट लूं तो नेचुरल है ना कि कुछ स्पेस है जो इन थॉट्स ने ऑक्यूपाई कर रखी अब मैं कोई और एक्टिविटी एड कर रहा हूं जैसे कि मेरा काम वर्कआउट एक्सरसाइज रनिंग जॉगिंग साइकिलिंग वगैरह वगैरह पचास चीजें मेरा कुछ हॉबी जिसको लेकर मैं पैशनेट हूँ म्यूजिक हो, 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 हो सकती है आर्ट हो सकता है पेंटिंग हो सकती है स्केचिंग हो सकती है कुछ भी हो सकता है फोटोग्राफी हो सकती है मार्शल आर्ट हो सकते 50 हैं पचास चीजें जो तुम कर सकते हो ये स्पेस है लिमिटेड स्पेस है ठीक है ये हमारी हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क के अंदर अभी ख्याल आ रहे हैं लड़कियों के तुम हो गए उसको परेशान की मैं इन ख्यालों को हटाऊं कैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी दोस्त ये तुम्हारा कंसर्न है ही नहीं इस इस चैलेंज को उठाना ही मत जीवन जिंदगी भर तुम इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाओगे खुद को गिल्टी महसूस करोगे और कुछ नहीं होगा ख्याल आ रहे हैं कैसे हटाऊ ये चैलेंज उठाने जैसा है ही नहीं कुछ फाइट्स होती है ना मेरे दोस्त वो फाइट लड़नी ही नहीं होती है उन फाइट्स में वैसे ही रहना होता है हाँ ठीक है ठीक है मेरे सामने फाइट खड़ी है लेकिन मैं ऐसे ही खड़ा हूं देख रहा हूं बस ये ये जंग मुझे लड़नी ही नहीं है मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं एक अलग ही फोकस्ड लेजर शार्प फोकस वाला व्यक्ति हो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना हाँ ठीक है मैं एक नॉर्मल साधारण इंसान हूं जिसके अंदर पचास तरह के विचार आते हैं पचास तरह के थॉट्स आते हैं उसके बाद भी मैं अपने काम में टाइम दे पाता हूं मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये स्पेस है इस स्पेस में कुछ और ढंग की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत है नेचुरल है ना मेरे दोस्त ये ये चीज ऑब्वियस है ना कि अगर मैं अभी समझ लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये कैमरा में बात कर रहा हूं राइट अब जब मैं ये काम कर रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूं कुछ बोल रहा हूं चीजों के बारे में सोच रहा हूं तो नेचुरली ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं और क्या बातें इंक्लूड कर सकता हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं क्लियरली समझा पाऊँ इस चीज़ को इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाऊँ आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाए मिलके अगर मैं इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ तो कोई और थॉट्स मुझे परेशान करेंगे क्या मुझे रजेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं लड़कियों के ख्याल आ रहे हैं इन ख्यालों को कैसे भगाऊँ कैसे दूर करूँ नहीं मेरी हार्ड डिस्क मेरी जो, मेरी जो रैम है स्टोरेज स्पेस है वो ऑक्यूपाइड है इस एक्टिविटी में रिकॉर्डिंग में बोलने में तो मेरे ख्याल भी इसके इर्द गिर्द होंगे मेरे दोस्त समझ पा रहे हो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं इस स्पेस को ऑक्युपाई करो कोई ढंग की एक्टिविटी में आप नेचुरली प्रोडक्टिव फील करोगे फिर आपके अंदर ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं इन ख्यालों को भगा नहीं पा रहा हटा नहीं पा रहा मुझे उससे परेशानी है ही नहीं आने दो ख्याल है ना कोई ढंग की लड़की दिखेगी तो उससे बात भी कर लेंगे अच्छा सिंसियर मच्योर तरीके से रिलेशनशिप रखेंगे भी कोई परेशानी है ही नहीं मुझे किसी चीज से सभी चीजें हमको करनी है टाइम पे करनी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है है रेजिस्टेंस अवॉइड करना मुझे किसी भी कीमत पर बस मैं ये कहना चाहूंगा एक एक सिंसियर व्यक्ति बनो जिंदगी में मच्योर सेंसिबल ढंग का व्यक्ति बनो चीजों को रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लेकिन ये एग्रेसिव तूफानी ईगोइस्टिक अलग ही कुछ सोच लेकर चल रहे हो तो आपको पचास चीजें रजिस्ट करनी पड़ेगी एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी जियो मेरे दोस्त ये पचास तरह के विडम्बना झमेले पालने की जरूरत नहीं है ठीक है आई होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस चलिए ट्राई करना यार कुछ ओपिनियन है तो बताना इस वीडियो के बारे में अगर ये एडवाइस हेल्प करती है तो ज़रूर एक मैसेज लिखने देना मेरे इंस्टाग्राम पे लिख देना मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार थोड़े बहुत एफर्ट्स सही डायरेक्शन में कर रहा हूं मैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और हां ऑडियंस जितने भी लोग अगर देख रहे हैं आपके कुछ ओपिनियन है फीडबैक है जिस भी तरह के कोई दिक्कत नहीं है आप दे सकते हो कॉमेंट सेक्शन में आई एम ओपन टू फीडबैक ओपन टू क्रिटिसिज्म इन वॉट एवर सॉट ठीक है हम स्पोर्टिंगली लेते हैं चलिए आपसे भी सीखेंगे आप हमसे सीखिए हम, हम आपसे सीखेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में